जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बाएं हाथ के पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। सदगोपन रमेश ने 10 साल की उम्र में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया और वे मध्य गति से गेंदबाजी करते थे। अंडर 13 के सिलेक्शन में रमेश ने विकेट भी लिए लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। इसके बाद रमेश ने फ्रस्ट्रेशन में स्पिन गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपेक्षा के विपरीत अंडर 16 में उनका चयन हो गया। 1999 के कोका कोला कप में सौरभ गांगुली पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए इस मैच में गांगुली ने रमेश को अचानक गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर ही विकेट लेकर भारत के लिए कीर्तिमान बनाया। इसके अनेक वर्षों बाद भुवनेश्वर कुमार ने सदगोपन रमेश के इस रिकॉर्ड की बराबरी की। रमेश ने अंडर 16 क्रिकेट में हमेशा नंबर 8 और 9 पर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए ऊपर बढ़ते गए। एक क्लब मैच के दौरान एक ओपनर के चोटिल होने के कारण रमेश को ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने रनों का एक अंबार लगाते हुए ये पोजीशन अपनी बना ली। सदगोपन रमेश का 1998-99 का घरेलू सीजन जबरदस्त रहा और उन्होंने 52 के औसत से रणजी ट्रॉफी में रन बनाए। इसी साल नवजोत सिद्धू के अकस्मात संन्यास ने रमेश के लिए भारतीय टीम के द्वार खोल दिए। सदगोपन रमेश ने 1999 में चेन्नई के अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया। वसीम, वकार और शोएब अख्तर जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने रमेश ने महज 41 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली और सबको प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश भारत ये मैच सचिन तेंदुलकर की 136 रन की शानदार पारी के बावजूद चोक करके हार गया। दिल्ली में खेला गया रमेश का दूसरा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह बना गया। मैच के हीरो थे दूसरी पारी में 10 विकेट लेकर जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले अनिल कुंबले। लेकिन इसी मैच में रमेश ने अपनी बल्लेबाजी की बदौलत भारत को मैच जीतने लायक स्थिति में पहुंचाया था। रमेश ने पहली पारी में 60 और दूसरी पारी में 96 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में शानदार आगाज के दम पर महज 4 महीने में रमेश ने खुद को 1999 विश्व कप के लिए भारत की टीम में पाया। रमेश को 5 मैच खेलने का अवसर मिला जिसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक के साथ कुल 144 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन के लिए सदगोपन रमेश को 1999 में भारतीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके तुरंत बाद रमेश को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया लेकिन भारत बुरी तरह से तीनों टेस्ट मैच हार गया। रमेश 3 मैचों में कुल 60 रन ही बना सके। 2001 श्रीलंका टेस्ट सीरीज रमेश के करियर की आखिरी साबित हुई। भारत ये सीरीज 2-1 से हार गया लेकिन रमेश ने 37 से ज्यादा के औसत के साथ 223 रन बनाए जो भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा थे। इस सीरीज के बाद रमेश का टीम से ड्रॉप होना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण था। क्रिकेट की दुनिया से जल्दी पैकअप हो जाने के बाद भी रमेश ने जिंदगी से हिम्मत नहीं हारी और एक यू टर्न लेते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। रमेश ने दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और आज वे जेनेलिया डिसूजा और प्रकाश राज जैसे कलाकारों के साथ फिल्में कर चुके एक सफल एक्टर हैं। ये था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।